चलिए बीजेपी बीजेपी शायद इसे किसी बड़ी चुनौती के रूप में ना देख रही हो, लेकिन फिर भी क्या सोचकर अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है और क्या संदेश इसका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाएगा, यह भी समझना जरूरी है। और इसके लिए अविनाश तिवारी के पास चलेंगे। अविनाश, क्या वजह आप देख रहे हैं? और एक और जानकारी दे, पूरी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, उन्होंने अपनी सदस्यता सरेंडर कर दी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, लोकसभा से अब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। जल्द ही अब चुनाव आयोग लोकसभा के जो उपचुनाव है वो कराएगा, चाहे रामपुर की बात करें चाहे आजमगढ़ की बात करें। मैं इस वक्त जो दिल्ली स्थित आवास है अखिलेश यादव का, वहाँ की एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अखिलेश यादव की आवास है, 2000 में जब पहली बार वो सांसद बने थे तब से उनको ये आवास अलॉट है। और अगर बात करें तो 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने और कन्नौज से उपचुनाव हुआ तो डिम्पल यादव जब चुनाव जीत कर आए तो उन्हें भी यही आवास मिला। और अखिलेश यादव जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के तो कभी यूपी सदन नहीं गए, बल्कि यहीं पर आकर रुका करते थे। और पिछले अगर 22 सालों से बात करूं, यानी कि 2000 से लेकर अब तक की बात, तो यहां पर अभी तक अखिलेश यादव यहीं पर आके दिल्ली में रुकते थे, क्योंकि कभी डिंपल यादव सांसद हुआ करती थी, कभी अखिलेश यादव खुद सांसद हुआ करते थे, तो यहीं पर आके रुका करते थे और यहीं पर तमाम सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए आते थे। देखिए अभी भी तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों के, वो यहाँ पे आए हुए हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। इन लोग से भी जानेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ, समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ यूथ का। अखिलेश यादव से आप लोग मुलाकात करने के लिए आए? हाँ बिल्कुल, मुलाकात। उन्होंने आज लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, आप लोग क्या देख रहे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए अभी तो रणनीति तो साफ होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे जो भी रणनीति होगी, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी MLC के चुनाव में, आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही किया है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे और जनता के साथ रहने का काम समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप बताइए आप कहाँ? जी मैं गाजियाबाद से युद्ध कर, गाजियाबाद से। तो आप क्या सोचते हैं, क्यों इस्तीफा दिया अखिलेश? देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और जो भी किया उन्होंने बेहतर ही किया, अब ये तो वही जाने। आप लोग भी गाजियाबाद से? बिल्कुल गाजियाबाद से। अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है लोकसभा से, तो आप लोग यहाँ मुलाकात के लिए खड़े हो, क्या कहोगे अभी मुलाकात करने के दौरान? देखिए हम लोग यही कहेंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जितना नौजवान उत्तर प्रदेश का है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए जान दे सकता है और हर चीज़ के लिए उनके लिए तैयार रहेगा। ये वही घर है अखिलेश यादव का जहां मैं बता रहा हूं कि पिछले 22 सालों से अखिलेश यादव चाहे सांसद रहे हैं जब तब वो जब मुख्यमंत्री रहे तब लगातार यही घर उनका अलावा है। अंदर मौजूद है जी। देखिए अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अभी वो संसद भवन में हैं, लेकिन संसद भवन से निकलकर इसी आवास पे आएंगे। उनकी जो गाड़ी है PSO जो लेने गई है वो गाड़ी यहीं से रवाना हुई है और अभी कुछ देर में उनके आने की सूचना मिल रही है, तभी ये तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के दिल्ली आने की जानकारी कार्यकर्ताओं को आज नहीं थी। अन्यथा जब भी अखिलेश यादव दिल्ली आते हैं तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ बड़ी भारी संख्या में उमड़ते हैं। हालांकि अब जानकारी हो गई है तो कई कार्यकर्ता आसपास से अब पहुँचने शुरू हो गए हैं। पिछले 22 सालों से ये घर उन्हीं का है। अगर बात करें तो जब अखिलेश यादव सांसद थे तब, जब डिंपल यादव सांसद थी तब उन्होंने ये घर अलॉट कराया, और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब अगर बात करें तो वो यहीं पर आके रुकते थे, ना कि यूपी सदन में जाते थे ना कुछ। और भी तमाम सारे लोग यहां पे आए हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि ये लोग कहां से आए हैं, क्या सोचते हैं ये लोग। आप लोग बताइए आप लोग कहां से आए? धामपुर विधानसभा से। धामपुर विधानसभा से आप लोग आए, तो अखिलेश यादव से मिलने आए? जी जी मिलने आए। इस्तीफा दे दिया है लोकसभा से, तो क्या सोच रहे हैं? साथ हैं उनके, साथ हैं उनके साथ, हमारी सीट जबरदस्ती हराई उन्होंने, इन्होंने भाजपा वालों ने। अखिलेश यादव क्या सोच के इस्तीफा दिए होंगे, आप लोगों को क्या लग रहा है? बस हमारे नेता है, बढ़िया नेता है, वह उन्होंने अपने इस विचार से मजबूरी में दिया, उन्होंने रिजाइन। मजबूरी में क्यों दिया है? अरे सरकार को देखते हुए भैया मजबूरी में दिया, वरना तो हमारे नेता झुकने वाले नहीं थे किसी से भी। उत्तर प्रदेश में संघर्ष करें? हाँ उत्तर प्रदेश में संघर्ष करेंगे विधानसभा में। आप कहाँ से आए? विधानसभा। आप लोग क्या मुलाकात करने के लिए यहाँ पे? कुछ भी मुलाकात करते, नेता है हमारे। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है लोकसभा से? कुछ नहीं, संघर्ष करेगा यूपी में और क्या हो, कोई बात नहीं। प्रदेश में संघर्ष रहेगा हमारा। 22 में संघर्ष में कमी रह गई है? कोई कमी नहीं रही, पूरी रहे, चुनाव जो है गड़बड़ करा गया है। सरकार नहीं बन पाई तो कमी रह गई आप लोग? नहीं, हमें तो बहुत कम सीटों पर हरा गया, 200 सीटों पर हरा गया, ऐसा थोड़ी होता कि चुनाव जीते करा। इतनी शिकायतें चुनाव आयोग से करी गई, चुनाव आयोग ने कोई नहीं लिया एक्शन, कितनी शिकायत। आप कहाँ से आए? हम भी बिजनौर से हैं, चांदपुर से। चांदपुर से आप आए हैं, तो आपने भी मुलाकात के लिए यहाँ पे वक्त मांगा? जी जी जी। इस्तीफा दे दिया अखिलेश यादव, तो इस्तीफा देकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग अपनी बात रखेंगे और क्या कहेंगे? पूछेंगे क्यों इस्तीफा दिया है, क्या सभी सर कुछ राष्ट्र क्यों इस्तीफा दे दिया है?
ठीक है, बस ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, हम थोड़ी बता सकते हैं इसमें। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला, ये तमाम सारे कार्यकर्ता हैं।